टैंक रोड की सड़कें पिछले काफी वर्षों से बेहद खस्ता हालत में थी। सड़कों पर पैदल चलना तो दूर, वाहनों में भी चलना दुर्भर हो गया था। स्थानीय निवासी, नगर परिषद और जिला प्रशासन को सड़कों की दयनीय हालत के बारे में कई बार अवगत करवा चुके थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई भी गौर नहीं हो रहा था, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में जिला प्रशासन के प्रति रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और 3 दिन पहले उन्होंने सड़कों में पड़े गड्ढे में पौधे रोपकर रोष प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। नगर परिषद और जिला प्रशासन रोष प्रदर्शन से पानी पानी हो गया और तुरंत सड़क को ठीक कराने के आदेश दिए। यही कारण है कि आज इस रास्ते की मुरम्मत हो रही है। वहीं इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो सड़क की खराब हालत को लेकर कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई भी विभाग और प्रशासनिक अधिकारी उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रहा था। सड़क की खराब हालत के कारण दुर्घटना भी होने लगी थी। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो चला था। यही कारण था कि उन्होंने सड़क में पौधारोपण कर जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि वह जल्दी उनकी सुध ले, अन्यथा वो पौधे रोपकर सड़क को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ये जो अब काम शुरू किया नगर परिषद ने प्रदर्शन करने के बाद, ये क्यों आज की बात नहीं है, ये लगातार हम 3-4 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जब भी प्रदर्शन करते हैं 2 दिन के लिए टेम्परेरी काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद हालत वही रहती है। आगे जो ये रोड जाती है सेरी टैंक रोड, डमरोग जटोली रोड है, और इसकी हालत देखें आप तो मतलब ये कहीं इंटीरियर इलाके की सड़क भी ऐसी नहीं होगी। यहाँ पर जो ये सड़क का काम चल रहा है ये प्रदर्शन के बाद ही शुरू हुआ है। सरकार जब तक इनके पास बार बार प्रदर्शन ना करे, बार बार लोग तंग ना करें इनको, प्रशासन को, तब तक ये काम ही नहीं करते। अच्छा, रोड तो ये बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर ड्रेन का कोई प्रावधान नहीं रखा है इसमें। इसको जो है ड्रेन जुड़ी है बननी चाहिए, सड़क के साइड में ड्रेन बननी चाहिए। और जो ये खानापूर्ति ही इस सड़क पर हो रही है, जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं, हम 3-4 सालों से मंत्री से लेकर सबका घेराव हुआ, हम CM तक शिकायत कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये जो ठीक होना चाहिए, उसके बाद ये सड़क का जो काम करने लगे हैं वो करें। पहले इधर की सारा टूटा फूटा जो है वो ठीक करें, और फॉरेस्ट रोड को भी हमारे लिए ठीक करें। बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना जी सबके लिए। आपका अति धन्यवाद होगा। ये भी एक प्रवृत्ति बन गई हुई है आजकल कि जब भी कोई, जब तक बिल्कुल कोई मतलब धरने प्रदर्शन पे या अपना रोष प्रकट करने के लिए कोई दूसरे मेथड ना अपनाए तो उसकी सुनाई होती नहीं। सुबह उठो जब नोटिस लेने वाली बात होती है ना, वो नहीं होती।